अस्सलामुअलैकुम, मैं फरमान हैदर चैनल ट्रू के माध्यम से आपसे एक बार फिर रूबरू हूँ। जैसा कि आपको मालूम है कि ये जो दिल्ली टू बॉम्बे हाईवे बन रहा है, जिसकी दुहाई देकर यहाँ पर घर तोड़े गए हैं। बटला हाउस और जाकिर नगर का जो ये एच ब्लॉक है, और यहाँ पर जिनके घर टूटे गए हैं, मैं आज उन लोगों से यहाँ पर मुलाकात करने आया था। और यहाँ पर मैंने पूछा कि कैसे वो होगी, मैं भी आपसे उन लोगों से बात कराता हूँ। तो क्या कैसे ये सब कुछ हुआ, ये सब बताएंगे जिनका घर टूटा है वो। हाँ भाई, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम शमीम है। शमीम भाई, ये बताओ कि आपका ये जो ज़मीन आपने ली थी, कब ली थी? ये मैंने 2001 में ज़मीन ली, मकान बनाया मैंने 9 साल पहले। 9 साल पहले जब मकान बनाया तो पुलिस वालों ने ही पैसे लिए होंगे? पुलिस वालों ने लिए, जो लोग होते हैं पुलिस वाले ड्यूटी में, वो लोग लेके जाते हैं। यहाँ तक के PCR तक की आती है, वो भी लेके जाती है। हाँ, तो जब तो उन्होंने उस वक्त नहीं बताया था कि ये जमीन कैसे है, क्या ये 100 रुपये दो, वो खुश हो जाते हैं। जिससे आपने जमीन खरीदी थी, उन्होंने आपको क्या कह के जमीन दी थी? ये नक्शे के अंदर जमीन है। और आज जो ये मकान तोड़ा है तो आप क्या कह रहे हैं वो लोग? देखिए, हमने वो नक्शा भी दिखाया था उनको, DDA वाले जो थे, हम नक्शे के अंदर हैं, लेकिन वो जबरदस्ती बहसबाजी में उन लोगों ने कहीं और की खुन्नस निकाली है यहाँ आकर। देखिए, ऐसा तो नहीं है कि ये नक्शे में क्या है, क्योंकि आज से मेरे ख्याल में कोई 10-12-15 साल पहले जब तोड़ फोड़ हो रही थी जी, तो परवेज हाशमी साहब ने पहलवान चौक के ऊपर एक पत्थर लगाया था कि इससे आगे मत जाना जी। फिर उससे आगे भी लोग आ गए थे, तो उन्होंने और आगे कर दिया था। फिर आगे किसी MP साहब ने कोठी बनाई थी जमुना में, तब उसके बाद और लोग आगे आ गए थे। तो इस चीज़ को ये दिखाकर लोगों को यहाँ पे घर दिए गए हैं, और अब इतनी बड़ी बड़ी मल्टी स्टोरी यहाँ पे फ्लैट भी बन गए हैं, और अब ये तोड़ फोड़ कर रहे हैं। तो ये जो है, इसमें आप किसको ब्लेम देंगे? देखिए, पहली बात तो हम ब्लेम सरकार को ही दे सकते हैं, क्योंकि जो यहाँ का प्रशासन है, क्या जब मकान हम, चलिए ठीक है, हमने ज़मीन खरीद ली एक कमरे के अंदर बैठ के, लेकिन जब हम मकान खड़ा करते हैं, बनाते हैं, उसमें 4 ईंटें लगाते हैं, तो दुनिया देखती है, बेशक सभी को दिखता है। उस दौरान DDA अफसर भी होते हैं, यहाँ से निकलते हैं जाते हैं, DDA के गार्ड भी होते हैं, सारी चीज़ें। तो उस वक्त ये लोग क्यों नहीं रोकते? आज हमारे 2-2 मंजिल के मकान बने हुए, हम लोगों के इतने पुराने मकान बने हुए, हमारे पास मीटर है लाइट का, और गैस की पर्ची है हमारे पास, हमारी सारी आईडिया यहाँ की है, सभी इसी एड्रेस पे। और ये लोग बोल रहे थे गली नंबर 40 सेफ है। मेरे मकान का गली नंबर 40 ब्लॉक H 63 नंबर मकान है मेरा, तो आपने, इन्होंने क्यों तोड़ा ये 40 नंबर? गली नंबर तो 40 है, रजिस्टर पेपरों में भी है, मीटर में भी है, गैस की पर्ची में भी है, तो वो तो सब सरकारी कागज हैं। तो उसमें ये गली नंबर 40 है, और इनको तोड़ने के लिए बोलते हैं, नहीं जी हम तो इसको तोड़ के जाएंगे। तो इन लोगों ने ऐसा हमारे साथ क्यों किया? बोला भी नहीं तोड़ेंगे, नहीं हम लोगों को पहले जब ये लोग आए थे तो अभी इससे था, पहले आपको कोई, इन्होंने कोई अल्टीमेटम या कोई ऐसा कुछ नहीं दिया आपके घर पे? कुछ नोटिस वगैरह जो भी किया है उन्होंने झुग्गियों के लिए किया था, और झुग्गियों पे नोटिस लगा के गए। पुलिस वाले भी आए तो झुग्गी वालों को बोल करके गए कि भाई आप अपनी झुग्गी खाली कर देना, हम आपके यहाँ झुग्गी तोड़ेंगे। 15 तारीख का यहाँ पर झुग्गी वालों के पास नोटिस लगा हुआ था अच्छी तरीके से, और इन लोगों ने अपने घर भी जो झुग्गियाँ थी ये खाली कर दी थी। हम लोगों से तो कल तोड़ने से पहले, जब तक ये झुग्गियाँ तोड़ी हैं इन्होंने, जब तक भी हमसे कुछ नहीं बोला है, लेकिन जब ये झुग्गियाँ साफ हो गई हैं, उनके बुलडोजर, 4 बुलडोजर यहाँ आके खड़े हो गए, तो एक अफसर बोलते हैं ये भी तोड़ो इस तरीके से, ये लाइन साफ करो पूरी। तो ये इस लाइन में कितने मकान टूटे हैं? इस लाइन में कम से 30 से 35 मकान थे। तो वो सब लोगों का सामान निकालने की मोहलत दी या कुछ का निकला है, कुछ का नहीं निकला है? क्योंकि आप एक बात बताइए, 1 मिनट में आपको बोला जाए कि 5 मिनट में आप अपना घर खाली कर दीजिए, तो बताइए कौन है कि जिसका पास एक थैला हो थोड़ी है जो उठा के आप बाहर निकल के चले जाओगे। मेरे परिवार है, मेरे घर में एक बहू है, मेरे बेटे की शादी हुई है, मेरा खुद का भी सामान है, तो कितने सामान होते हैं। और मैंने उनसे रिक्वेस्ट भी करी कि आपका क्या मंजिल मकान था? मेरा 2 मंजिल मकान है। कौन सा वाला मकान? ये जिस जगह मैं खड़ा हूँ ये वाला, ये आप देख सकते हैं कि पूरा मलबे के ढेर यहाँ पर बना दिया है इन्होंने, और ये पूरी तरीके से मकान जो है, मकान में पूरे में टाइल लगी हुई थी, प्लास्टर हुआ, सारी चीजें थी मेरे मकान में, किसी बात की कोई कमी नहीं थी। कि तो ऐसा भी नहीं है कि मैंने ऐसे ही बना के खड़ा कर रखा। बोलिए बोलिए, आप भी यहीं थे? इनका भी मकान। आपने कब ली थी जमीन? ये हमने लिया था 2021 में 2019 में प्लॉट लिया था। ये बना बनाया प्लॉट खरीदा था हमने। तो किससे लिया था ये? ये हमने सूखा से लिया था। तो जब उन्होंने क्या कहा था इसे? उन्होंने किसी किसान से लिया था, उन्होंने मेरे पास वो दिया है, क्या वो तो है? पेपर होंगे ना पेपर? हाँ, तो पेपर नहीं। दिया उन्होंने? नहीं, आपको जब उन्होंने बेचा था तो उन्होंने आपको कुछ बताया था इस तरीके से कि खतरे में? किसानों से लिया था, किसान का खतरा नंबर दिखाया।
यहाँ पर जो है जो टूटे हैं मकान उसमें आपका कितने गज का मकान था? 100 गज का था। 60-70 गज बचे हुए थे, बाकी नाला चला गया था बीच में, नाला इस बार। अब इसमें क्या कहा कल उन्होंने, कुछ इसका कंपनसेशन देंगे आप लोगों को, कहीं और घर देंगे या क्या देंगे? क्या इसकी जगह पे कहीं आपको घर देगी सरकार या कुछ कह के ऐसा कुछ? कुछ नहीं। बल्कि हमें ये भी नहीं बोला कि तोड़ेंगे, उसने ये भी नहीं बताया तोड़ेंगे। उसने झुग्गी तोड़ने आए थे, झुग्गी साथ खींच लिया अभी, चक्कर था कोई ऑफिसर था, उसने बोला ये तोड़ दो लाइन। बाकी हमें कभी किसी नोटिस वगैरह नहीं लगा, कभी कोई नहीं, हमारा कोई बताया नहीं किसी चीज का। और किस किस के मकान टूटे हैं यहाँ आगे सबका है? वो लोग मीडिया को अगर बता के आएंगे तोड़ ही नहीं पाएंगे, जब मीडिया आर्टिकल दुबई में भाग। तुम्हारा भी घर टूटा है यहाँ पे? हाँ भाई। आपका कितने गज का मकान था यहाँ? हमारा 90 गज का था। आपने कब खरीदा था ये? ये भाई 30 साल हो गए पुराना। 30 साल से आपके पास? हाँ। आप 30 साल से यहीं रहते जी? तो कल जब तोड़ा तो कुछ आपको बताया? नहीं, हम लोग को कुछ नहीं बताया भाई, अचानक ये कह दिया बस ये झुग्गी टूटना आ रहा है और इसमें इधर पक्के मकान में कोई आ, हम लोग का सामान भी नहीं निकल पाया भाई, हम लोग के सामान नहीं निकल पाया भाई। किसी के 4 बच्चे है, किसी के 5 बच्चे है, किसी 10 बच्चे है, मेरी 2 बेटी है, मेरा आदमी सारा नहीं है। मेरा कोई वो उम्मीद नहीं था जो मैं अपनी बच्ची के साथ छुपा लेती थी, भूखे प्यासे भी उसके अंदर सो जाती थी मैं। अब बता, मैं खुले मैदान में अपनी बच्ची को लेकर चल पाई लेकिन वहाँ सो रही हूँ, मेरे कितनी दिक्कत हो रही ना लेट ना। कौन सा मकान है? हमारा वहाँ छोटा है मकान, ये पेड़ के पास है हमारा, इस पट्टी में पक्का मकान तरफ है। इधर भी लैंड पहले 2 महीने पहले तोड़ के इधर पक्का मकान गए थे, तो ये लोग बेचारे झुग्गी डाल रखे कि हम झुग्गी तोड़ना है, झुग्गी के साथ मकान भी तोड़ा गया भाई। तो इन्होंने कोई अल्टीमेटम आपको नहीं दिया था कि हम कुछ नहीं दिया भाई, कुछ नहीं बताया था कुछ, ये कहता था 1-2 झुग्गी टूटेगी और किनारे से जो रोड में आ रहा है वो जाएगा। ये आगे के लिए कुछ और कह के गए? आगे के लिए भी कह के गए कि नहीं आगे और आगे जो होगा रोड के किनारे वो छाटेंगे। तो 30 साल से आप यहाँ रह रही हैं और आपके शौहर भी नहीं है? नहीं भाई, अब ये हम लोग के बस ये है, अगर हमें सरकार, अगर मुझे अपना जमीन नहीं मिलेगा, अपना घर नहीं मिलेगा, तो एक ही है बस, सिर्फ बच्चों को लेकर आत्महत्या करने का है, उससे जिम्मेदार सरकार होगी सब। यहाँ के जो हमारे जो काउंसलर हैं या विधायक जी हैं, कोई नहीं आया भाई। वोट का टाइम तो सब आ जाते हैं भीख मांगने के लिए, तुम्हारे झोपड़ी से महल बना देंगे, महल जब टूटा तो कोई सर पे हाथ फेरने भी नहीं आए, कोई नेता नहीं अच्छा है आज के जमाने में भाई, सब मतलब ही है। हम नेताओं को जब मानते जो हमारे दुख में खड़े हो जाते हैं यहाँ पर आके, मत कुछ कहते, हम लोग के पास खड़े होते तो हमारा दिल बड़ा हो जाता भाई। यहाँ कोई नहीं, सिर्फ आम पाब्लिक हम ही लोग थे, रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे, हमने पहले मीडिया में भी दे रखे हैं भाई। अगर भाई हमारे संग ना इंसाफी हुआ, अगर मेरे संग इंसाफी दर वाले पट्टी वाले का साथ न हुआ भाई, तो यही होगा कि एक एक आत्महत्या हो गई। यहाँ पे कितने घर टूटे हैं अभी भाई? कम से कम नहीं है 70-80 घर टूटे हैं भाई। 70-80 घर? हाँ 70-80 घर। एक कोई 2 मंजिल का बना था, कोई 3 मंजिल का था सर, 2-2 फैमिली 3-3 फैमिली रह रही, किसी के 2 बच्चे किसी के 3 बच्चे थे। तब वो लोग कहाँ पर गए और उन लोगों को कैसे अपनी रात कैसे गुजारी? क्या सब नहीं सो रहे हैं भाई, किसी का सामान इस पट्टी में रखा है, किसी की इस पट्टी में, किस पट्टी में सामान रखा है, सब कहीं सब रात में, सब नहीं सो रहे हैं। आप खुद ही रात में आके चेक करके खुद ही देख लें, सभी यहीं सो रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कि किस तरीके से ये घर उजाड़े गए हैं, झुग्गियाँ बताकर कि झुग्गियाँ तोड़ेंगे और उसके बाद यहाँ पर ये जैसे आपको बताया गया 70-80 घर तोड़ दिए हैं और छोटे छोटे बच्चे भी हैं जो यहाँ पर बेघर हुए हैं। कल बिल्डोजर चलते मुन्ना भाई जरा, कल बिल्डोजर चलते भी इनके भी चोट लगाया गया है, ये तो बच्चे भाई माशाल्लाह 8-9 बच्चे छोटे छोटे हैं। ये चोट लगी है, घर से नहीं निकल रहा था, निकलने की जबरदस्ती पुलिस वाले ने कह दिया कि नहीं तो इसको मारो। देखिए किस तरीके से ये घर तोड़े गए हैं और बहुत दूर तक टूटे हैं ये, और ये बता रहे हैं कि जमीन क्या, किसकी बता रहे हैं, क्या कह रहे हैं, कुछ बताया कि जमीन डीडीए की है? नहीं भाई, डीडीओ कहते 30 साल से डीडीओ वाले कहाँ सो रहे थे, पानी मीटर का था, मीटर लगा पड़ा था, मीटर का बिल पानी के देते थे भाई, बिजली 30 साल से हम लोग पुराने रह रहे भाई, सबके 2-2, 3-3 मंजिल मकान बने थे, जब डीडीओ कहाँ थे 30 साल से, डीडीओ कहाँ थे ये हम पूछना चाह रहे हैं। मैं भी आपको और लोगों से ही मिलवाऊंगा जिनके यहाँ मकान। हाँ चाचा, आपका भी था यहाँ मकान? नहीं भाई, मेरा नहीं था, मेरे भाई का था, उसको भी पास जाना।
आपका है मकान यहाँ पे? आपका था? मेरा नहीं है भाई साहब। और मेरा नहीं है, बाकी जो उठा रहे मलबा ही नहीं, जो मलबा जो उठा रहे हैं उन्हीं लोगों का मकान है भाई। ये बड़ा बुरा हुआ, सरकार को सोचना चाहिए इसके बारे में। गरीब बस्ती है, गरीब लोग हैं, इनके बारे में कहीं सोचना चाहिए थोड़ा बहुत। ये तुम्हारे सबके घर टूटे हुए भाई है भाई? है भाई, तुम्हारे भी घर टूटे हैं? हाँ घर भी तो है, वो दिखा देना। वो सरमार आए तो हमारे दिखा। चलो चलो कोई नहीं, मत दिखाओ यार, कोई नहीं दिखा रहा। कितना बड़ा घर था तुम्हारा? 180 गज का। तो कुछ कहा के कह इसके जगह कुछ जगह देंगे या कुछ ऐसा कुछ? नहीं सर, कुछ नहीं बोला, बस नोटिस चिपकाया था और बाकी कुछ नहीं। नोटिस चिपकाया था आपके यहाँ? वो तो बता रहे लगा दिया था और कुछ नहीं बोला। वो तो झुग्गी झोपड़ी का बता रहे हैं कि झुग्गी झोपड़ी का नोटिस लगाया था उसके सारे से सब तोड़ के। आपका भी था या? हाँ जी हमारा भी है। कितने गज में था आपका? कहाँ पे था? तो जब आपके पास पहले को नोटिस वोटिस लगाया था घर पे? झुग्गियों पे लगाया था इन पे। झुग्गियाँ तोड़ेंगे? अच्छा, झुग्गियाँ तोड़ने के बाद में फिर इन्होंने तोड़ना शुरू कर दिया। तो कुछ आप हमारे जैसे काउंसलर या विधायक साहब ने? कोई नहीं। किसी को आपने कॉल किया था? कोई नहीं, कुछ कॉल किया नहीं। आप लोगों ने ट्राई की बुलाने की कोशिश की थी क्या? नहीं, बात करी थी, वहाँ गए थे विधायक साहब के पास गए थे। तो उन्होंने क्या बताया? उन्होंने कहा मुझे देखो मैं नहीं जा सकता हूँ। अच्छा, आपके कितने बच्चे हैं? बच्चे हैं जी मेरे पे 5। क्या नाम है आपका? मेरा नाम साजिद। साजिद भाई वैसे कहाँ से रहने वाले हैं आप? पीछे से? पीछे से अफगानपुर। अफगानपुर, तो मतलब एकदम ही आपके घर एकदम सामान भी आधा दब गया, आधा निकला। मतलब सामान तक नहीं निकालने दिया? नहीं निकालने दिया, इतना टाइम ही नहीं दिया। तुम्हारा सामान निकला? नहीं आधा निकला, आधा रह गया। अजी सभी का ऐसा ही हुआ, सभी का सर ऐसे हुआ है। अरे बोल दे काट दे। ये देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं जो बेचारे बेघर हुए हैं और ये काफी दूर तक घर तोड़े हैं। कितने घर टूटे होंगे चाचा? जिन मालूम में बैठे वहाँ आप पहुँच जाओ सर, सर बैठे वहाँ चारपाई पे सब बता देंगे। नहीं भाई जरा एक मिनट है, वीडियो रख दो। नहीं वीडियो रख दो, सिम काट देना। अरे चुप हो जा, ये बात तो करने दो, हटा लो। ये मैं कह रही आप ये हटा लो, मेरे से मत दिखा। तो ये मैं अभी आपको दिखा रहा था कि किस तरीके से यहाँ पर घर टूटे हैं और मैं भी जो चल रहा हूँ वो ईंटों पे ही चल रहा हूँ, टूटे हुए घरों की ईंटों पे। और यहाँ पर 30 से 40 मकान बताए जा रहे हैं जो टूटे हैं और कोई नोटिस नहीं था। कुछ लोग यहाँ 30 साल पहले से रह रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पर 15 साल पहले से रह रहे हैं, कुछ ने 4 साल पहले बनाया है मकान। और अगर इस तरीके से ये मकान जैसे तोड़े गए हैं तो इससे तो, क्योंकि ये काफ़ी अंदर तक तोड़े हैं, अगर रोड के लिए तोड़े जाते तो बराबर में जो और हैं उनको भी इसके, क्योंकि ये तो है नहीं कि सिर्फ यहीं तक है और इधर को कुछ नहीं होने का। या तो इसमें सरकार की कुछ और प्लानिंग है जिसकी वजह से इन्होंने ये इतने दूर तक घर तोड़े हैं और काफ़ी दूर तक। देखिए आप मेरे पीछे देखिए कितनी दूर तक ये घर टूटे हैं और मैं अभी आपको दिखाता हूँ इतनी ही दूर ये रोड है यहाँ से। तो काफ़ी लंबा अंदर तक तोड़ने का मतलब क्या है, क्योंकि यहाँ पर तोड़ने से कोई ये तो है नहीं कि यहाँ पर कोई सरकार की ऐसी कोई प्लानिंग हो या ये सरकार की ऐसी कोई ज़मीन हो कि जिसपे ये कोई इमारत बनानी हो सरकार को या कुछ करना हो। अगर इतनी जगह सरकार ने पूरे इस लाइन से खाली की तो बहुत तकड़ा डिमोलिशन ओखला में होगा, क्योंकि ये एक साजिश के तौर पे इतने अंदर तक यहाँ तोड़ा गया है अभी। और ये जो लोग हैं ये हल्के हल्के तोड़ रहे हैं ताकि लोग इकट्ठे ना हो पाएँ और लोग जो हैं यहाँ पर जमा ना हो पाएँ और उनकी किसी भी कार्यशैली में बाधा ना पड़े। तो ये जितना अंदर तक इन्होंने तोड़ा है, क्योंकि 30 मकान एक ही लाइन से तोड़े हैं, दूसरी लाइन से अभी इन्होंने छुआ नहीं है, क्योंकि एक गली के इधर का छोर जो है ये तोड़ा। ये देखिए बिल्कुल मैं आपको दिखा रहा हूँ ये वाला, ये मकान देखिए, ये मकान बिल्कुल रोड से मिला हुआ है और इधर इन्होंने इतनी दूर तक तोड़ा है।
तो ये मतलब इससे क्या, कौन सा, किस तरीके से इन्होंने तोड़ा है, ये कुछ समझने की कोशिश करें। और मैं अपने तमाम उन लोगों से गुजारिश करूंगा जो यहाँ के ज़िम्मेदार हैं कि इस चीज़ को ज़रूर संज्ञान मिलाएं कि इन्होंने इतने अंदर तक यहाँ पर क्यों तोड़े। अगर इन्होंने इस यहाँ पर इतने अंदर तक तोड़े हैं तो जो आगे के घर हैं उनको कहाँ तक सुरक्षित समझा जाए। आप मेरी वीडियो को और लोगों तक पहुँचाएँ ताकि लोगों को पता चले कि कहाँ तक कैसे तोड़ा गया है। और हमारा जो प्रशासन है वो इस चीज़ को ध्यान दे क्योंकि यहाँ पर सारे गरीब लोग बसे हुए हैं और जब घर बन रहे हैं तो तब प्रशासन को पता होता है, वो तभी रोके। इतना बनने के बाद 10-10 साल पहले, 15-15 साल पहले लोग यहाँ पर रह रहे हैं तो उनको जो है पहले ही रोक देना चाहिए कि यहाँ मत बनाओ, मगर ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पर लोग जो हैं काफ़ी परेशान हैं और आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।